हेलो लर्नर, माय नेम इज रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेज फॉर यूजीसी नेट। इस वीडियो में हम जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम के बारे में करेंगे। इसके पहले हमने जो है स्टॉपलर सैमुलसन थ्योरम का किया हुआ था। ठीक, तो फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम जो दिया है सैमुलसन ने, तो हम स्टार्ट करते हैं। फैक्टर दो लाइन में जानते हैं कि फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम होता क्या है। तो फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम में जब हम ट्रेड करते, बिफोर द ट्रेड, जैसे एचओ का होता है कि एक कोई कंट्री लेबर इंटेंसिव होती है, कोई कैपिटल इंटेंसिव होती है। ठीक, तो जो लेबर अबंडेड होती है वो लेबर को जो है एक्सपोर्ट करती है और कैपिटल को जो है इंपोर्ट करती है, और जो कैपिटल अबंडेंट होती है वो कैपिटल को एक्सपोर्ट करती है और लेबर को इम्पोर्ट करती है। तो जब दो कंट्री हैं वो एक लेबर इंटेंसिव है यानी लेबर अबंडेंट है, दूसरा जो है कैपिटल अबंडेंट है, तो वो दोनों जो है ट्रेड में आते हैं। और जहाँ पे जो फैक्टर अबंडेंट है वो चीपर होता है, जहाँ पे जो स्कार्स फैक्टर होता है वो जो है उसके प्राइसेज हाई होते हैं। ठीक, तो जब दोनों ट्रेड में आते हैं, तो जब दोनों ट्रेड में आते हैं तो दोनों के प्राइसेज जो हैं इक्वल हो जाते हैं। और वो प्राइसेज इक्वल कैसे होते हैं ये हम जानेंगे फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी में। तो द फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी इज एन इम्पॉर्टेंट कोरोलरी ऑफ द एचओ थ्योरी ऑफ ट्रेड, यानी ये एचओ थ्योरी का जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो है कि फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। इसे दिया था सैमुलसन ने। इफ देयर इज अ फ्री इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ फैक्टर, द प्राइसेज ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अनडिस्प्यूटेबली गेट इक्वलाइज, यानी कि बिना कोई प्रॉब्लम के, बिना किसी डिस्प्यूट के, बिना दोनों के बहस के, ये जो है फैक्टर प्राइसेज इक्वल हो जाते हैं। और कैसे होंगे वो हम देखेंगे। द क्लासिकल थ्योरिस्ट एज वेल एज एचओ हैड एज्यूम एन इंटरनेशनल इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर, ये लोग जो है एज्यूम करते हैं कि इंटरनेशनल इमोबिलिटी होती है, यानी कि फैक्टर जो है मोबाइल नहीं होते बिटवीन द फैक्टर, बिटवीन द कंट्री, ये आउटसाइड द कंट्री ये जो इमोबाइल होते हैं, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव नहीं कर सकते, जा नहीं सकते। दिस लीड टू द क्रूशियल क्वेश्चन ऑफ हाउ द इंटरनेशनल ट्रेड वुड अफेक्ट द प्राइसेज ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि इससे ये क्वेश्चन उठता है कि जब ये फैक्टर जो है कि मूव कर ही नहीं सकते, तो कैसे जो है ये प्रोडक्शन के और जो है प्राइसेज को, जो प्रोडक्शन को जो है अफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हम करते हैं। एचओ ने जो सजेस्ट किया था वो था कि इंटरनेशनल ट्रेड कमोडिटी जो होती है वो एक्ट करते हैं हम जो है कि इंटरनेशनल मोबिलिटी, जब हम जो है कि इंटरनेशनल ट्रेड में जब हम कमोडिटी जो प्रोड्यूस करते हैं, इनका कहना है कि जो कमोडिटी होती है वो तो फैक्टर से बनी होती है, उसमें कितना कैपिटल और कितना लेबर जो यूज होता है वही हम जो है कमोडिटी को एज अ सब्स्टिट्यूट करते हैं इंटरनेशनल मोबिलिटी में, यानी कमोडिटी के साथ हमारे जो है जो कैपिटल और जो चीज़ें लगती हैं वो उसके साथ मोबाइल हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट और जो फैक्टर प्राइसेज हैं वो इक्वल हो जाते हैं। और ओहलिन जो है कि इनका अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको पता है कि एचओ हैक्सर और ओहलिन दोनों अलग अलग हैं। रिकॉग्नाइज दैट द इंटरनेशनल ट्रेड माइट रिजल्ट इन ओनली एन इनकम्प्लीट और पार्शियल इक्वलाइजेशन ऑफ प्राइस ऑफ फैक्टर, ये कहते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो है प्राइसेज में जो है कि इनकम्प्लीट या जो है कि पार्शियल इक्वलाइजेशन होता है, यानी क्योंकि दोनों जो है अबंडेंट, अलग अलग फैक्टर्स में अबंडेंट होते हैं, इसलिए जो है कि उनके प्राइसेज में जो है इनकम्प्लीट या बोल सकते हैं पार्शियल इक्वलाइजेशन हो सकता है। ठीक, द राइटर लाइक सैमुलसन एंड लर्नर डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ अ कम्प्लीट इक्वलाइजेशन ऑफ अ फैक्टर प्राइसेज। तो सैमुलसन और लर्नर ने जो है इसके बारे में अलग अलग टाइम पीरियड पे जो है फैक्टर प्राइस के कंप्लीट इक्वलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। द फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी पिक्स अप द आर्गुमेंट दैट द लेबर अबंडेंट कंट्री स्पेशलाइज इन द एक्सपोर्ट ऑफ लेबर इंटेंसिव कमोडिटी बिकॉज लेबर इज रिलेटिवली चीपर फैक्टर कंपेयर्ड विद द कैपिटल, यानी कि ये जो है कि आर्गुमेंट को उठाते हैं जहाँ पे ये आर्ग्यू करते हैं कि जो लेबर अबंडेंट फैक्ट्री कंट्री होती है वो एक्सपोर्ट करती है लेबर का, क्योंकि यहाँ पे लेबर जो है रिलेटिवली जो है चीपर होता है, यानी लेबर हमारा सस्ता होता है कैपिटल में, जो कैपिटल से, जो कि जैसे अगर कोई कंट्री ए है, अगर वो लेबर अबंडेंट है यानी लेबर वहाँ पर ज़्यादा है तो वहाँ जो चीज़ ज़्यादा होती है उसकी कीमतें कम होती है। ठीक, और अगर वही कैपिटल अबंडेंट कंट्री स्पेशलाइज्ड है कैपिटल इंटेंसिव में, क्योंकि वहाँ पे जो है कैपिटल जो है सस्ता होगा। ठीक,
और वहाँ पे जो दूसरा रिलेटिवली या स्कार्स जो फैक्टर है वो जो है महंगा होगा, कॉस्टली होगा। ठीक, द प्रेशर ऑफ इंटरनेशनल डिमांड रेंडर द अबंडेंट फैक्टर स्कार्स एंड इट प्राइस स्टार्ट राइज। यानी कि आप ये समझने की कोशिश कीजिए, जैसे कि अगर ये लेबर इंटेंसिव कंट्री, हम केवल एक की देखते हैं, ये जो है लेबर का एक्सपोर्ट करने लगता है और यहाँ पे जो है लेबर सस्ता होता है। जब यहाँ पे लेबर जो है सस्ता होगा और लेबर का जो है ये एक्सपोर्ट करेगा, तो जो आउटसाइड दी कंट्री होगी, यहाँ पे लेबर सस्ता होने की वजह से वो जो है लेबर की डिमांड ज़्यादा करेंगी। ठीक, लेबर की डिमांड जो है ज़्यादा करेगी, लेबर इंटेंसिव कमोडिटी की डिमांड जो है ज़्यादा करेगी, जिसकी वजह से इसकी डिमांड जो है राइज हो जाएगी। इसकी अगर डिमांड राइज होगी तो इसकी प्राइसेज भी तो राइज होंगी। और इसके साथ साथ इसके एक फैक्टर और ये है कि जब हमारा, आपको पता है कि लेबर की सप्लाई जो है वो फिक्स्ड होती है, क्योंकि इन इलास्टिक हमारे यहाँ सप्लाई कर रहा है, तो वो उसकी लेबर की सप्लाई फिक्स्ड होगी। और जब हम इतना सारा लेबर यूज करके इसको जो हम जो है कि एक्सपोर्ट करते कर जाते हैं, तो हमारे यहाँ भी तो लेबर जो है कम होगी, क्योंकि हम उसको लगातार जो है इसकी डिमांड इंक्रीज होती जा रही है और हम एक्सपोर्ट करते जा रहे हैं और यहाँ पे सप्लाई फिक्स्ड है, तो लेबर यहाँ की इसकी जो है कि कम होगी और इसकी डिमांड ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसके प्राइसेज ज़्यादा हो जाएंगे। प्राइसेज ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे जो है कि ये रिलेटिवली अब धीरे धीरे जो लेबर अबंडेंट है वो धीरे 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 कम होता जाता है। और यहाँ पे जो पहले जो कैपिटल लेबर रेशियो था पहले, यानी कि बिफोर द ट्रेड, वो जो है कैपिटल लेबर रेशियो जो है हमारा कम था, क्योंकि कैपिटल अगर आपका एक है और लेबर आपका 10 है तो ये रेशियो कम आएगा। लेकिन अब जो है लेबर हमारा जो है कि कम होता जा रहा है आफ्टर द ट्रेड। तो यहाँ पे अगर पहले कैपिटल एक है और अब हमारा जो है ये 4 हो गया, तो अब एज कम्पेयर टू ये वाले हमारा जो है लेबर कैपिटल रेशियो ये वाला तो आफ्टर द ट्रेड ज़्यादा होगा और बिफोर द ट्रेड ये कम होगा। मैं आपको आगे बताती हूँ कैसे, ये हम आगे देखते हैं। तो एट द सेम टाइम जो है कि इम्पोर्ट ऑफ द कमोडिटी दैट रिक्वायर मोर इनपुट ऑफ स्कार्स फैक्टर रिलीव द डोमेस्टिक प्रेशर फॉर डिमांड फॉर दैट फैक्टर। और दूसरा साइड इसका ये है कि अगर एक लेबर इंटेंसिव कंट्री जो होती है वो अगर लेबर को जो है एक्सपोर्ट करती है, तो उसे जो है कैपिटल को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। ठीक, अगर वो कैपिटल को इम्पोर्ट कर रही है तो कैपिटल को इम्पोर्ट करेगी तो जो इसके यहाँ चीपर है, कैपिटल जो यहाँ पर उसके यहाँ कॉस्टली है, वो उसको लगातार जो है इम्पोर्ट कर रही है। ठीक, इम्पोर्ट कर रही है तो उसके यहाँ तो लगातार कैपिटल जो है इन हो रहा है, और जब कैपिटल यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी डिमांड भी कम होने लगेगी। ठीक, क्योंकि ज़्यादा अगर चीज़ें होने जो है कि कैपिटल होता जाएगा तो उसकी डिमांड कम होगी और उसकी जो है प्राइस जो है वो भी कम होने लगेंगी। तो हमारे यहाँ जो ये कैपिटल के प्राइसेज जो अप हैं और लेबर के प्राइसेज जो है कि डाउन है, लेबर के एक्सपोर्ट लगातार करने से लेबर के प्राइसेज जो है अप होने लगेंगे और कैपिटल के प्राइसेज जो है डाउन होने लगेंगे, और एक पॉइंट पे दोनों जो है लेबर और कैपिटल दोनों जो है इक्वल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो यही दिया है कि दोनों के जो फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम का क्या है कि जब कैपिटल जो है इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो दोनों के फैक्टर जो है प्राइसेज इक्वल होने लगते हैं, और दोनों का ये आप बाद में नहीं कह पाएंगे कि कौन सी कंट्री जो है कैपिटल इंटेंसिव है और कौन सी कंट्री जो है लेबर इंटेंसिव है, यही आपको दिया हुआ है। द प्रोसेस ऑफ चेंज इन प्राइसेज ऑफ फैक्टर विल अल्टीमेटली ब्रिंग अबाउट एन इक्वल in this prices of factor. It is in this sense that free international trade in commodity act as a substitute for international mobility of factor. कभी कभी इस टाइम जो है आपको NTA नेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ये हुआ सितंबर 2020 वाला, ठीक, उसमें जो है उन्होंने कई सारे सेंटेंस को उठा करके दे दिया था जिसमें उन्होंने पूछा था ये किसका सेंटेंस है, उसमें इंटरनेशनल ट्रेड से और पब्लिक फाइनेंस से उन्होंने ज़्यादा उठाया था। जैसे रिबिंजिस्की थ्योरम का 2 टॉपिक उठा के दिया था, 2 लाइंस उन्होंने बहुत सारी उठा के दी थी और पब्लिक, तो इस बार हो सकता है कि ऐसे ही लाइंस वो दें और पूछे कि किसका स्टेटमेंट है। तो ये वाली एक लाइन बनती है कि दैट द फ्री इंटरनेशनल ट्रेड इन कमोडिटी एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर द इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ फैक्टर।
अब हम जो है कि फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम के जो है एजम्पशन देख लेते हैं। तो देयर आर टू कंट्री होती है जो कि ए और बी होती है, और ये जो है कि प्रोड्यूस करती है कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई। कमोडिटी एक्स जो है हमारा लेबर इंटेंसिव है और वाई हमारा कैपिटल इंटेंसिव है, और दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारा लेबर और कैपिटल। देयर इज फ्री कंपटीशन बोथ इन प्रोडक्ट एंड लेबर मार्केट, दोनों यहाँ परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक, प्रोडक्ट एंड लेबर मार्केट दोनों में। और यहाँ पे जो है कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट नहीं है और ना ही कोई टैरिफ है, ठीक, यानी कि फ्री इंटरनेशनल मोबिलिटी भी है। द प्रोडक्शन फंक्शन रिलेट टू ईच कमोडिटी इज आइडेंटिकल एंड होमोजीनियस ऑफ डिग्री फर्स्ट, यानी कि यहाँ पे हमारा कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल है। और द फैक्टर इंटेंसिटी आर डिफरेंट फॉर द टू कमोडिटीज, दोनों कमोडिटी की जो है फैक्टर इंटेंसिटी डिफरेंट है, यानी एक लेबर है और एक जो है कैपिटल इंटेंसिव है, यानी कि यहाँ पे जो है अब्सेंस ऑफ रिवर्सल ऑफ फैक्टर इंटेंसिटी है। रिवर्सल फैक्टर इंटेंसिटी का मतलब कि ये नहीं है कि नहीं लेबर इंटेंसिव के साथ तो कैपिटल फिर इंटेंसिव हो जाएगा और ये जो है हमारा जो है फिर लेबर, यानी कि दोनों रिवर्स नहीं हो सकते जो हम पहले अज्यूम कर रहे हैं। अज्यूमसम के बाद हमारा जो है ये सारी चीज़ें हैं, तो ये रिवर्सल ऑफ द फैक्टर इंटेंसिटी नहीं हो सकता, ठीक। कैपिटल एंड लेबर आर क्वालिटेटिवली आइडेंटिकल इन टू कंट्रीज, यानी दोनों आइडेंटिकल है, यानी एक का जो है लेबर जो है कि मतलब दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं। जो कैपिटल और लेबर हैं वो फैक्टर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स से हैं, दोनों का अलग अलग नहीं है, दोनों की जितने क्वालिटी है सब सेम है। द अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट इन द टू कंट्री, तो यानी यहाँ पे जो है कि फैक्टर जो है क्वांटिटी में डिफर करते हैं, तभी तो एक जो है कैपिटल अबंडेंट है, दूसरा जो है लेबर अबंडेंट है। नेक्स्ट, देयर इज अब्सेंस ऑफ कंप्लीट स्पेशलाइजेशन का अब्सेंस है। अगर फुल स्पेशलाइजेशन हो जाएगा दोनों गुड में तो किसी को कोई ट्रेड की ज़रूरत ही नहीं होगी, ठीक, इसलिए जो है अब्सेंस ऑफ कंप्लीट स्पेशलाइजेशन है। इट मीन्स बोथ द कंट्री कंटिन्यू टू प्रोड्यूस बोथ द कमोडिटी इवन आफ्टर ट्रेड टेक्स प्लेस बिटवीन देम, दोनों के बीच ट्रेड हो भी जाएगा तो भी जो है कि वो दोनों गुड को प्रोड्यूस करेंगी, क्योंकि हर कंट्री जो है सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती है। द फैक्टर सप्लाईज आर फिक्स इन टू कंट्री, क्योंकि अभी मैंने बताया लेबर की सप्लाई इन इलास्टिक होती है, उसी तरह यहाँ पे कैपिटल को भी इसने फिक्स कर दिया हुआ है, ठीक। ये जमसर इंपॉर्टेंट है इस फैक्टर प्राइस में कि दोनों फैक्टर की जो है कि सप्लाई जो है फिक्स्ड होती है। इन ईच कंट्री देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ बोथ द फैक्टर की, फुल एम्प्लॉयमेंट है बोथ फैक्टर की। और देयर इज नो मोबिलिटी ऑफ फैक्टर बिटवीन द कंट्री, इन द कंट्री मोबाइल होते हैं, आउटसाइड द कंट्री इमोबाइल होते हैं। द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ ईच फैक्टर इज डिमिनिशिंग, यानी कि हमारा जो यहाँ पे MRTS है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नहीं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक, MRT वो जो है हमारा डिमिनिशिंग है, ठीक। द टेस्ट आर आइडेंटिकल इन टू कंट्रीज, अब हम जो है इस फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम को जो है डायग्राम के थ्रू देखेंगे, और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन हो जाता है, ठीक। तो हमारा जो गुड यक्स है वो हमारा जो है ए कंट्री के लिए है और वो लेबर इंटेंसिव है, ठीक। और ये हमारा जो है X0 जो है लेबर इंटेंसिव का जो कॉन्ट्रैक्ट कर्व है, या बोल सकते हैं आप आइसो क्वांट है, और क्योंकि हम प्रोडक्शन से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। और जो है कि Y0 हमारा जो है ए कंट्री का कैपिटल के लिए आइसो क्वांट है, और ये कंट्री जो है बी का है, सी से हमने ओरिजिन जो दिखाया है, ये जो है कैपिटल इंटेंसिव गुड के लिए है। यहाँ पे ये जो गुड Y है कैपिटल इंटेंसिव है, ठीक। और X1 जो हमारा है वो लेबर के लिए है, हमारे जो है कैपिटल लेबर के लिए है, और Y1 हमारा जो है कैपिटल के लिए है, ठीक, आइसो क्वांट। अब हम जो है बिफोर द ट्रेड की सिचुएशन बात करते हैं कि जब ट्रेड नहीं हो रहा होता है तो क्या सिचुएशन होती है। तो जब आप इस पॉइंट को देखेंगे पॉइंट आर, ये आर पॉइंट आपको ये बताता है कि ए से आर तक, यानी ये यहाँ से यहाँ आप जब इसको मैच करेंगे तो ये इतना जो है
आपको ये लेबर इंटेंसिव कमोडिटी जो है गुड प्रोड्यूस कर रहा है, और ए से इतना जो है ये कैपिटल इंटेंसिव, आप देख सकते हैं कैपिटल कम है, इसलिए जो है कि स्कार्स यहाँ पे कैपिटल है, गुड यहाँ पे एक्स लेबर इंटेंसिव है, और यहाँ पे ये इतना, तो ये लेबर अबंडेंट हो गया। ठीक, अब बिफोर द ट्रेड ये ए से आर जो है हमारा ये इतना जो है ये लेबर हमारा जो है हो रहा है, और ए आर हमारा जो स्लोप है वो गुड एक्स के लिए है लेबर। ठीक, और आर टू सी हमारा जो है ये कैपिटल के लिए है। ठीक, ये वो हमारा जो है वाई गुड के लिए है, ये आर टू सी। अब हम जो है आफ्ट, और यहाँ पे जो है ये हमारा P0 प्राइस लाइन है। ठीक, अब हम यहाँ से जो है कि आफ्टर द ट्रेड सिचुएशन पे पहुँचते हैं कि आफ्टर द ट्रेड क्या होगा। तो आफ्टर द ट्रेड जब हमारा ट्रेड दोनों कंट्री होने लगती है तो हमारा एक कंट्री जो है गुड एक्स में स्पेशलाइज्ड हो जाती है, और जब गुड एक्स में स्पेशलाइज हो जाती है तो ये यहाँ से यहाँ पे प्रोड्यूस करने लगती है। ठीक, ये यहाँ से यहाँ प्रोड्यूस करने लगती है और फिर ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है। ठीक, स्टॉपलस एमुलसन में केवल हमने कंट्री ए के लिए देखा था जो कि गुड कैपिटल लेबर इंटेंसिव है, यहाँ पे हम दोनों कंट्री का देखेंगे। ठीक, तो यहाँ से यहाँ पहुँच गई, अब यहाँ पे प्राइस लाइन P1 है, यहाँ पे X1 जो है लेबर के लिए है, Y1 कैपिटल के लिए, इतना हमारा हो गया। अब स्लोप हमारा ये बढ़ के A टू S हो गया, और फिर कैपिटल के लिए S टू C हो गया। अब ये हमारा स्लोप हो गया। अब आपको ये डायग्राम देखे तो समझ में आ रहा होगा ना, P0 प्राइस लाइन इज लेस देन P1, यानी कि इस प्राइस लाइन पे हमारा जो है कैपिटल लेबर रेशियो जो है ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कैपिटल, यहाँ पे जो है कि हमारा ये इतना कैपिटल है, ये इतना लेबर है। ठीक, तो ये कैपिटल अगर कम होगा, लेबर अगर हमारा ज़्यादा होगा, कैपिटल हमारा जो है कम होगा और लेबर हमारा जो है ज़्यादा होगा ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाली रेशियो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी टोटल, क्योंकि अगर ये एक है ये 10 जो मैंने आपको समझाया तो आपको पता है ना 0.1 हो जाएगा। ठीक, ऐसे समझ लीजिए 0.1 हो गया, लेकिन जब यहाँ से ये रेशियो यहाँ पे पहुँचती है तो कैपिटल भी हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आप फिर भी अगर उसको एक ही मान के चलना चाहते हैं तो एक ही चलिए, लेकिन यहाँ पे देखिए, देख के आपको पता चल रहा है कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे लेबर भी इतना इंक्रीज हो रहा है। तो अगर इसने मान लीजिए कैपिटल को जो है इतना किया, या आप एक ही लेके चलिए और जिससे आपको अच्छे से समझ में आए कि लेबर कैसे कैपिटल लेबर रेशियो ज़्यादा हो रहा है। ठीक, तो ये 0.1 आया, अब यहाँ पे ये लेबर इतना है, यहाँ पे जो है लेबर डबल हो गया। ठीक, आप देख सकते हैं डबल ही लगभग या डबल से ज़्यादा है, तो हमने जो है लेबर को 20 रख दिया। अब इसको 20 करेंगे तो ये 0.5 आएगा, तो 0.5 इज़ ग्रेटर देन 0.1, यानी कि पॉइंट यस पे हमारा जो है कैपिटल लेबर रेशियो हमारा जो है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पॉइंट आर, यहाँ पे हमारा जो है कैपिटल लेबर रेशियो कम है। ठीक, अब हमने जो है ये कैपिटल लेबर रेशियो हमारा जो है लेबर इंटेंसिव गुड और कंट्री ए के लिए हो गया। ठीक, जहाँ पे ये था कि अब ये एक्सपोर्ट करती है, तो एक्सपोर्ट करने के बाद इसकी डिमांड जो है दूसरी कंट्री में बढ़ती है और हमारे यहाँ जो है लेबर जो है धीरे धीरे कम होता है, धीरे धीरे कम होने की वजह से इसके जो है प्राइसेज ज़्यादा होते हैं, प्राइसेज ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो है प्राइसेज ज़्यादा होने की वजह से ये जो है इसके कैपिटल लेबर रेशियो का जो है बढ़ जाए, और यहाँ पे लेबर की कमी भी हो रही है धीरे धीरे। अब हम जो है यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव के लिए देखते हैं कि पहले ये यहाँ से यहाँ था, अब आफ्टर द स्पेशलाइजेशन ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है। ठीक, यानी कि इसने जब कैपिटल प्रोड्यूस करना शुरू किया और कैपिटल इसने एक्सपोर्ट किया तो दूसरी कंट्री में, जो कि जहाँ पर महंगे हैं कैपिटल, तो यहाँ से कंट्री जो है चीपर है तो यहाँ से कैपिटल लेते हैं, और यहाँ पर जब सप्लाई दोनों की फिक्स्ड है तो जब आप जो है लगातार एक्सपोर्ट करते जाएंगे तो आपकी कंट्री में जो है चीज़ें कम होती जाएंगी, तो वहाँ पे ये स्कार्स हो जाएंगे, जब स्कार्स होंगे तो उनकी प्राइसेज इंक्रीज हो जाएंगी, और जब उनकी प्राइसेज इंक्रीज हो जाएंगी तो एक पॉइंट ये आएगा कि जहाँ पे दोनों के प्राइसेज जो है सेम हो जाएंगे, जहाँ पे P0 इक्वल्स टू P1 हो जाएंगे, और यहाँ पे कैपिटल और लेबर के, सॉरी ये P0 प्राइस लाइन है, हम P0 को नहीं दिखा सकते, सॉरी, यहाँ पे जो है कैपिटल लेबर रेशियो इन कंट्री ए, प्राइसेज ऑफ कैपिटल, प्राइसेज ऑफ लेबर,
एंड प्राइसेज ऑफ कैपिटल एंड प्राइसेज ऑफ लेबर इन कंट्री बी बोथ आर इन इक्वल इन बोथ द कंट्रीज। ठीक, ये हमारा जो है दोनों के ट्रेड होने के बाद होता है। इसकी वजह ये है कि दोनों जब एक्सपोर्ट पर जाती है तो दोनों के डिमांड इंक्रीज होने की वजह से उसके जो है प्राइसेज जो है इंक्रीज हो जाते हैं, और फिर हम लगातार जो एक्सपोर्ट करते जाते हैं जिसकी वजह से हमारी सप्लाई फिक्स्ड होती है, तो हमारे यहाँ जो लेबर अबंडेंट होता है वो स्कार्स हो जाता है, और जो स्कार्स होता है वो हमारा जो है अबंडेंट हो जाता है, और दोनों साथ में इक्वलाइज हो जाते हैं, और दोनों कंट्री के जो प्राइसेज के फैक्टर हैं फैक्टर के प्राइसेज वो इक्वल हो जाते हैं। ये आफ्टर द ट्रेड हमारा सिचुएशन है, और ये मैंने आपको जो है ग्राफ का पूरा एक्सप्लेनेशन समझा दिया। मैं आपको ये दिखा दे रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको पढ़ लीजिए, जो मैंने आपको बताया सेम वही चीज़ें हैं। नेक्स्ट वाली स्लाइड पे भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, आप ये भी देख लीजिए। और ये वाली जो है स्लाइड आपकी लास्ट स्लाइड है, इसमें यही बताया कि बिफोर द ट्रेड कैसे वो लेबर इंटेंसिव लेबर को एक्सपोर्ट करते हैं, कैसे वो इंपोर्ट करते हैं, फिर एक्सपोर्ट वाले गुड का कैसे वो स्कार्सिटी होता है, हमारा लेबर का कम होता है यहाँ पे देखिए, और फिर हमारा जो है कैपिटल लेबर रेशियो राइज हो जाता है। और फिर दूसरी तरफ हम जो है कि दूसरी कंट्री जो है कंट्री बी जो कि कैपिटल इंटेंसिव करती है, फिर वहाँ पर कैपिटल का स्कार्स होता है, वहाँ के उसके प्राइसेज जो है इक्वल हो जाते हैं, प्राइसेज जो है हाइक हो जाते हैं, फिर वहाँ पे कैपिटल लेबर रेशियो जो है कम होता है, और उसके बाद जो है दोनों के कैपिटल रेशियो दोनों कंट्री में इक्वल हो जाते हैं। इस तरह से हमारा फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे जो है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम जो है ख़त्म होता है, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ दूसरी इंपॉर्टेंट थ्योरी के साथ। और अगर आपको कोई और थ्योरी पढ़नी है तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और प्लीज़ चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब UGC नेट के एग्ज़ाम आने वाले, तो मैं उससे रिलेटेड जो है अच्छे से अच्छे जो है वीडियो बनाने वाली हूँ। तो थैंक यू।